नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में आवास पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाने पर हड़कंप मच गया। अतरौलिया थाने पर तैनात सिपाही इंद्रपाल कन्नौजिया पुत्र मोतीलाल कन्नौजिया वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र का निवासी था। अपने आवास में ही रात में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। सुबह जब थाने के सिपाही इंद्रपाल को कमरे से बाहर निकलता नहीं देखे तो उन्हें हैरत हुई। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो इंद्रपाल का खून से सना हुआ लथपथ शव पड़ा हुआ था। सिपाहियों ने इसकी सूचना तत्काल प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव को दी। थानाध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे और पुलिस अधीक्षक यातायात मौके पर पहुंच गए। सूचना सिपाही के परिजनों को भी दे दी गई है। मृतक सिपाही 2006 बैच का था। 20 जुलाई 2019 से अतरौलिया थाने पर वह तैनात था। क्षेत्राधिकारी शीतला प्रसाद पांडे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक जाँच कराई जाएगी, जो भी हकीकत होगी वो सामने आएगी। ये इंद्रपाल कन्नौजिया लगभग एक साल से यहाँ नियुक्त है और कल ये अवकाश पर शाम को इसकी रवानगी हुई है और ये अपने बिस्तर के पास ही वहीं पर मृत पड़ा हुआ है। और रहने वाला ये चोलापुर थाने का है और इसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है कि मृत का कारण क्या है। और ये पता चल रहा है कि अपने मोटरसाइकिल से कल घूम रहा था, कहीं गिर भी गया था। अभी सूचना मुझे मिल रही है कि इसकी मोटरसाइकिल किसी मिस्त्री के यहाँ पड़ी हुई है, उसको मंगवा रहा हूँ। तो किससे लड़ा, कहाँ चोट लगी इसको, इसकी भी पता लगाऊंगा और इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। सर, इसके शव पोस्टमार्टम के? हाँ, इसका शव का पोस्टमार्टम होगा। इनके परिजन को बता दिया गया है, सभी लोग आ रहे हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है।